भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नोएडा के सेक्टर 12 स्थित अल्पसंख्यक विभाग गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष जावेद खान के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शहनवाज आलम ने शिरकत करी। जहां शहनवाज आलम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आरंभ हुई भारत जोड़ो यात्रा अब 3 जनवरी से गाजियाबाद से शुरू होगी, जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे। ये यात्रा देश में संविधान को बचाने के लिए चल रही है, जिसमें अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी जी को भी आमंत्रित दिया गया है और उन्होंने ये भी संविधान बचाने के लिए ये यात्रा शुरू करी है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद अहमद ने कहा कि अपनी आर्थिक नीतियों के कारण देश को 20 साल पीछे धकेल देने वाली मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो पदयात्रा से इतनी डरी हुई कि लोगों को कोरोना का डर दिखा रही है, लेकिन ये यात्रा रुकेगी नहीं। हमारे संवाददाता ने जब इनसे बात करी तो देखिए क्या कहा। आरसो न्यूज के लिए आप देख रहे हैं नोएडा से निशांत शर्मा की रिपोर्ट। देखिए यात्रा दिल्ली पहुंची और दिल्ली के बाद एक हफ्ते का विराम हुआ, लेकिन चूंकि यात्रा हमारे राज्य से गुजरने वाली है और मैं एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूं, इसलिए हमको प्रियंका गांधी जी के तरफ से निर्देश दिया गया कि आसपास के ज़िलों में जा कर के इस यात्रा का संदेश पहुँचाइए, लोगों को बताइए कि इस यात्रा में आना क्यों ज़रूरी है। उसी के तहत आज मैं अपने इस ज़िले की इकाई के कार्यक्रम में आया हूं। यहां पे हम लोग अलग अलग कमेटियां बनाएंगे, लोगों से मिलेंगे और लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे, क्योंकि हम लोगों के सामने एक चुनौती है कि केरल में, महाराष्ट्र में जितनी भीड़ थी उससे ज़्यादा भीड़ हम लोगों को यहाँ पे करके दिखाना है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सर, यात्रा जो है वो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किधर से होके और किधर जो है? देखिए यात्रा गाजियाबाद के लोनी से होते हुए बागपत, छपरौली का जो इलाका है उससे होते हुए शामली जाएगी और फिर वो आगे हरियाणा के तरफ, पानीपत के तरफ बढ़ जाएगी। कुल 3 दिनों की ये यात्रा है। इस पूरी यात्रा में हम लोगों को अभी तक का जो फीडबैक है, करीब 1 लाख लोग लगातार 3 दिन राहुल गांधी जी के साथ चलेंगे। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, ये पूरे भारत को जोड़ने के लिए यात्रा निकाली है। ये उन गरीब लोगों को नहीं, ये यात्रा निकाली है जो महंगाई से तारीमाम परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, जो लोगों के पास रोज़गार नहीं है, महंगाई से लोग परेशान हैं, उनके लिए ये यात्रा निकाली है। इस यात्रा का एक ही संदेश है, पूरे भारत को जोड़ना है, भारत की जो नफरत फैली हुई है भारत में हिंदू मुस्लिम की, उसको ख़त्म करना है। पूरे भारत में जो आज उसकी सरकार जो है वो पूरे भारत को बांटने का काम कर रही है, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी और हमारे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग से जनाब शाहनवाज आलम साहब लगातार उनके साथ कदमों से कदमों लगा के चल रहे हैं। आने वाली 3 जनवरी को हम शाहनवाज जी के साथ उत्तर प्रदेश में लोनी से साथ साथ चलेंगे। राहुल गांधी जी के साथ पूरे गौतम बुद्ध नगर की टीम को लेके हम अल्पसंख्यक विभाग की और कांग्रेस के सभी लोगों को लेके चलने वाले हैं। 3 तारीख को राहुल गांधी जी के साथ, शाहनवाज जी के साथ कदम से कदम लगाकर चलने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा में। राहुल गांधी जिंदाबाद। हम लोग जो पूरे लगभग 8 से 10 राज हम लोगों ने कंप्लीट किया है दिल्ली को लेके, साफ साफ एक संकेत है पूरे देश में कि जो ये आरएसएस और भाजपा का मंशा है देश तोड़ने की, वो देश टूटेगा नहीं। लोग बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान, महिला, बच्चे साथ में हैं, इस यात्रा के साथ में हैं, जो कि वो पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, बस यात्रा में इसलिए वो जुड़े हुए हैं क्योंकि देश कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ रहा टूट रहा, जाति धर्म से और रंग से टूट रहा है। तो इस यात्रा में राहुल गांधी जी के समर्थन में आए हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में वो लोग खड़े हैं। और हमें जहाँ तक आपने पूछा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो हमें जहाँ तक पूरा उत्तर प्रदेश के होने के नाते मुझे जहाँ तक पूरा यकीन है कि अब तक का संख्या में उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड टूटेगा राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए। और दूसरी चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये सरकार कितना भी डरा ले, धमका ले, हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी बोलते हैं डरो मत। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में राहुल गांधी जी के सुरक्षा में भारी चूक था, जबकि हम लोगों ने बैरियर, हम लोगों ने डी को संभाल के रखा। हम भारत यात्री लगभग
30 से 40 लोग आके डी के अंदर घुसे और रस्से को पकड़ के संभाला हम लोगों ने। तो ये चीज़ें भाजपा भूल जाए कि अगर हम सुरक्षा में चूक करेंगे तो राहुल गांधी जी को कुछ नहीं होगा, राहुल गांधी जी को कुछ नहीं होने पाएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा राहुल गांधी जी के साथ कंधों से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे, देश के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे।